नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमा क्राफ्ट्स पीला। तो ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है अपने क्राफ्ट के लिए, ब्रश कैंचे वगैरह रखने के लिए। ये एक पान मसाला के कंटेनर थे, टूट चुकी थी, तो ये मैंने कैसे बनाया तो वो आपसे आज शेयर करूँगी। तो मेरे पास कुछ कलरफुल ऐसे बॉटल्स थे, ये प्लास्टिक बॉटल्स हैं, तो मैंने ऐसे आप कलर वाले डिफरेंट कलर्स में बॉटल्स ले लिए हैं। अब उसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं, कुछ स्क्वायर कुछ ओवल इस तरह के छोटे छोटे कुछ छोटे स्क्वायर पीस कट कर लिए हैं। अब एक ले लिया है कैंडल। अब कैंडल के चारों ओर इसके एजेस को हल्का हल्का इस तरह से घुमा लेना है। ये प्लास्टिक बॉटल के पीसेस को कैंडल के चारों ओर घुमाने से इसके कलर में थोड़ा निखर आ जा रहा है, थोड़ा शाइन बढ़ जा रही है और ये थोड़ा हार्ड भी हो जा रही है, तो हमें पूरे को ऐसे कर लेना है। तब मैंने ले लिया है वॉल पुट्टी, उसमें डाल दूंगी मैं फेविकॉल, थोड़ा सा फेविकॉल डालूंगी और थोड़ा सा पानी मिक्स करके मैं इसकी एक अच्छी सी पेस्ट बना लूंगी। तो मुझे अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है, तो ये वॉल पुट्टी की एक अच्छी सी पेस्ट बना लेनी है। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, तो मैंने पेस्ट को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख रहे हैं कितनी स्मूथ सी पेस्ट रेडी हुई है। तो अब इस कंटेनर के ऊपर मैं इस तरह के पेस्ट को लगा लूँगी। पहले मैं पूरे में नहीं लगाऊंगी, बस थोड़ा थोड़ा पोर्शन लगाती जाऊंगी और ज़्यादा पतला नहीं, थोड़ा मोटा करके ही मुझे लगाना है। तो इस तरह से मैं थोड़े थोड़े पोर्शन में पेस्ट को लगा लूँगी। तो और अब ले लूँगी ये बॉटल के पीसेस को, देखिए इतने कितने कलरफुल लग रही है। तो अब इन पीसेस को इस तरह से मुझे लगा लेना है, थोड़े से प्रेस करते हुए लगाना है। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो या आइडियाज पसंद आते हो तो प्लीज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियोज डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मेरे अधिकतर क्राफ्ट वेस्ट मटेरियल से रिलेटेड होते हैं, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट मटेरियल का यूज़ करें, एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखें। तो इसी तरह मैं थोड़े थोड़े वॉल पुट्टी की पेस्ट लगाते जाऊंगी और ये डिफरेंट कलर्स के जो मैंने बॉटल के पीसेस कट कर लिए हैं उसे लगाते जाऊंगी। खरीदने से तो बहुत अच्छी अच्छी सुंदर चीज़ें मिल जाती है, परंतु अपने हाथों से बनाया हुआ क्राफ्ट पे जो आनंद मिलता है वो आपको खरीदे हुए चीज़ों में नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी क्राफ्ट्स कैसे लगती है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इधर मैंने कंटेनर में छोटे बड़े सभी जहाँ जो एडजस्ट हुआ है वहाँ पर मैंने पीसेस को, कलरफुल पीसेस को इस तरह से लगा लिया है और ये काफ़ी कलरफुल लग रही है। अब ऊपर की जगह में भी मैंने वॉल पुट्टी की पेस्ट लगा ली है और इस तरह मैं प्लास्टिक के पीसेस को लगा लूँगी। तो ये अब ड्राई भी हो चुकी है, आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं। ये ऐसे भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है, काफ़ी कलरफुल लग रही है, पर मैं इसे थोड़ा ब्लैक कलर करूँगी। तो प्लास्टिक के बॉर्डर जहाँ व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं तो उसे मैं पूरा ब्लैक कलर कर लूँगी। अब मैंने ले लिया है 3D आउटलाइनर, तो 3D आउटलाइनर से मैं एजेस पे इस तरह से 3D आउटलाइनर से इस तरह लगा लूँगी 3D आउटलाइनर को। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये आइडिया और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैंने सभी पीसेस के एजेस पे 3D आउटलाइनर इस तरह से लगा लेना है और इसकी 3D आउटलाइनर लगाने के बाद मैंने गोल्डन 3D आउटलाइनर लिया है, इसकी लुक काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव लुक दे रही है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये प्लास्टिक बॉटल मोज़ाइक आर्ट कैसे लगे मुझे कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर भी कीजिए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई आइडिया और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।